मैं सोचा मैं बताओ आप उसके पागल हो जाएंगे। पापा तो यार फुल प्रोफेशनल निकले, अच्छा गूंद लिया है। लेकिन पापा देखे लड़के होके इतना अच्छा गूंद रहे हैं। गाइस पापा ने तो ऑलमोस्ट बना, लेकिन मम्मा ही थोड़ा सा मुड़ा मुड़खड़ा मुड़खड़ा सा लग रहा है। ये तो हमने बताना तो नहीं है, पापा जी अभी 9 बजे सही नहीं लग रहा, जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको पास नहीं करूंगी मैं, वरना अगले पे जाएंगे। रुके पापा का देखो पता चला लड़कियां कैसे दुपट्टा लेके आटा गूंथती है। जो मॉडल लड़कियां हैं उनकी फेवर में। अच्छा पता लेना नहीं पड़ता। हाँ नहीं नहीं आपको अपने पिंड की लड़की बनाना है। फुफो बनाया हुआ है। हाँ गाइस पापा ने आटा गूंथ दिया, आटा परफेक्ट गूंथते। हाँ वैसे दोनों हाथों से गूंथते हैं भाई। मैं मुकम्मल पूरी थोड़ा बनके गूंथने में बंदे नहीं गूंथते। हाँ लड़कों का अलग स्टाइल होता है, लेकिन अच्छा गूंथा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लफी है। इसी के बाद पापा जी रोटी बनानी है। अब पापा का अगला है कि पापा ने इसी की रोटी बनानी है, देखते हैं रोटी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। पापा दूसरा अभी घुस गया है कि नहीं देख लो। हाँ अब करना पड़ रहा है ना, पूरा गूंथ रहे हैं पापा प्रोफेशनली। तो गाइस पापा ने फुल प्रोफेशनल आटा गूंथ लिया। वाह ये वाला तो पापा ने कैसे अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि सेकंड हमने क्या करवाना है। तो गाइस अब जो रोटी है वो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि आटे को थोड़ी देर रखना भी होता है, इसीलिए फिर पापा बाद में बनाएंगे। और अभी जो है दूसरे चैलेंज की बारी है। जैनब तुम इधर बैठी हो, तुम पता भी पापा क्या बने हुए हैं बाहर आके देखो तो सही। जरा पापा बाहर ना बुआ जी बने हुए हैं, देख देख वो देखो पापा भाई बुआ जी बने हुए। जैनब अब तुम बताओ सेकंड वाला पापा को अगला क्या चैलेंज दे यार। क्या पहले छह औरतें और एक ही मर्द है, उसको अब 7 औरतें हो गई हैं। जैनब बताओ क्या करें।